प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत चल रहा था, ठीक है। और क्वेश्चंस देख रहे हो, लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि एक दिन में मात्र दो क्वेश्चन होने से काम चलेगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो अब समझाएं ना, ये भी काम नहीं चलेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो कठिन क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बताना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का है बच्चों? हाँ, वही वाला क्वेश्चन है क्या? एन की पावर 7/7 टू की पावर 3 माइनस एन अपॉन एन बिलोंग टू कैपिटल एन पूर्णांक, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर, ठीक है। तो भाई शुरुआत के जो स्टेप होते हैं वो सिंपल होते हैं, पूर्णांक सिद्ध करना है तो भाई शुरुआत के स्टेप बहुत ही सिंपल होंगे। n बराबर एक के लिए एक बटे लासा जो मिलेगा वो 105 ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। दे रहे 105 मिलेगा। सात को बात करोगे इसमें कितने जाएगा, सात एकम सात, सात पन्ना पाँच, दूनी दस, पाँच एकम पाँच, तीन से बात करोगे तीन त्रिका नौ, 35 आ जाएगा, 35 दूनी 15 और 70 कितना होता है बच्चों? 85 और 21 106 में से गया 105। शुरुआत सिंपल, इसलिए एन बराबर समझना, ध्यान दे थोड़ा फास्ट सुन लो बच्चों, इसलिए के लिए 7 होगा, के की पावर 7/7 ठीक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये क्या है बच्चों, एक है ना, सिद्ध हो गया ना, पूर्णांक है क्योंकि के लिए 7 हो गया बच्चों, तो ये पूर्णांक सिद्ध हो गया बच्चों। अब चलो n बराबर k प्लस, बस अब कठिनाई स्टार्ट हो गई यहाँ से, बोलो बटे में प्लस k प्लस 1 की पावर बोलो माइनस, ठीक है। अब इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला बच्चों, a प्लस बी की पावर 7, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने बताया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं बच्चों, अब हम इसे बताएंगे जब a लिखा हो प्लस 1 लिखा हो, जैसे तुम लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला सिंपल लगे बच्चों, है ना, m 1 लिखा हो, मतलब जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, सब देखो 1 ही लिखा है बच्चों, थोड़ा सा फॉर्मूला सिंपल होता है जब a जगह 1 लिखा होता है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला होगा a की पावर n, फिर n a की पावर n माइनस 1 प्लस n n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 3। पावरें धीरे धीरे क्या होती रहेंगी, कम होती रहेंगी बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ समझो यहाँ पे कितनी पावर है बच्चों, बोलो 7 पावर है, तो पहले क्या बोला है, a की पावर n, a की पावर n मतलब बच्चों प्लस, फिर क्या बोल रहा है n a की पावर, तो n का मतलब 7, a की पावर बोलो कितना जाएगा बच्चो, 6 a लिख दिया, सॉरी बच्चो ये सही है। फिर क्या बोल रहा है, 7 माइनस 1 बटे k की पावर 5, 7 6 5, फिर बोलो 7 माइनस 1 अपॉन में 3 डायरेक्ट ड्राइव, या 7 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दे क्या यहाँ पे, यहाँ बोलो गुणा समझ जाओ ना,
सात गुणे छः गुणे पाँच ही आएगा, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे सात गुणे छः गुणे पाँच गुणे बटे और के की पावर तीन, फिर बोलो सात छः पाँच चार तीन अपॉन में के की पावर दो, सही है। फिर बोलो सात छः पाँच चार तीन दो, नहीं दो अपॉन में हाँ के, और फिर लास्ट में एक पता हो रहेगा, ठीक है। सात छः पाँच चार तीन दो एक अपॉन में और के नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो पावर अगर सात है तो आठ बताएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ठीक है। एक पद हमेशा बढ़ के आता है, जैसे a प्लस बी का होल्ड सर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तीन पद होते हैं। a प्लस बी का होल्ड क्यूब खोलोगे तो फिर चार पद होते हैं, पूरा खोलोगे तो चार पद आ जाएंगे मुझे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइम बोलो, जल्दी से इस वाले बोलो, देखो भाई जो बड़ा हो गया अब इसे करना पड़ेगा, देखो ये सात के लिए सिर्फ केवल ओपन हुआ बच्चों, ये सिर्फ सात के लिए ओपन हुआ, सबके लिए नहीं ओपन हुआ बच्चों। और ओपन नहीं करेंगे तब वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें बाकी में एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमें अभी अच्छा बटे में सात था, वो बटे में सात हमने यहाँ पे लिख दिया एक बटे सात, ठीक है। ये बटे में सात था वो बाहर लिख दिया बच्चों, अब इसको ओपन नहीं करते तब भी काम नहीं चल पाएगा हम लोग का, क्योंकि हमें हर एक पद चाहिए यहाँ पर, लासा लेना पड़ेगा बाद में बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको भी बोलो चो बोलो जल्दी बोलो, के की पावर फाइव, फिर पाँच के की पावर चार, फिर पाँच इंटू के की पावर, फिर बोलो पाँच इंटू चार इंटू तीन, जल्दी बोलो पाँच फोर फैक्टोरियल भैया, और के नहीं आएगा बच्चों, छह पद है देखो, एक दो तीन चार पाँच छह क्या आएगा, के की पावर जीरो हो जाएगा तो एक। इसको भी ऐसे ओपन करो बच्चों, उसका भी फॉर्मूला सेम ऐसे लगाओ बच्चों, बोलो पहले बोलो के की पावर तीन, फिर तीन के स्क्वायर, ठीक है, फिर बोलो तीन इंटू दो अपॉन में, बोलो अपॉन में क्या आएगा के, फिर तीन इंटू दो इंटू एक अपॉन में, बोलो सही है, यही फॉर्मूला बना मेरे बच्चों की हट जाएगा सॉरी। और इसको तो ओपन करना नहीं है बच्चों, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं है बच्चों, तो माइनस के प्लस वन हटा रहे बच्चों, ठीक है। तो ये पूरी एक लाइन है बच्चों, अगर इसको हम नहीं करेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है क्या, पूर्णांक सिद्ध करना है, और पूर्णांक सिद्ध करने के लिए पद ओपन करने पड़ेंगे बच्चों हम लोग को, क्योंकि सभी पदों में लासा लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या बच्चों इस वाले से नहीं बच्चों, चलो बिल्कुल नहीं होता बच्चों, आप समझो बच्चों इसमें सात के बाद सब में होगा बच्चों, बोलो तो के की पावर सात बटे सात, जो ये लिखा हुआ ये चीज इसको अलग कर लो बिल्कुल, के की पावर सात बटे सात, फिर इससे क्या लिया बच्चों बोलो, मैंने इससे क्या लिया नेक्स्ट वाले से, फिर और कहाँ गया, फिर बोलो माइनस बता रहे के बटे एक सौ, ये माइनस प्लस माइनस एक बटे एक सौ पाँच बचेगा बच्चों, हाँ माइनस वन भी नहीं लिखा बच्चों मालूम है, ठीक है। बाकी जो पद बचे वो यहाँ पे लिखो, क्योंकि ये मालूम है क्या है बच्चों, ये पूर्णांक है बच्चों। चलो यहाँ देखो पहला पद क्या बचा बोलो, यहाँ पे यहाँ पे हाँ के प्लस वन बाई एक सौ पाँच था बच्चों, एक सौ पाँच का अलग अलग भाग कर दिया है, के बटे एक सौ पाँच प्लस एक बटे एक सौ पाँच, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, मैं एक पद लिखा है एक पद भी नहीं लिखा, उसको भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने वो वाले पद लिए जो यहाँ पर थे बच्चों यहाँ पे आ गया। चलो अब बोलो यहाँ पर ये बचा है सात, सात कट गया, क्या बचेगा बच्चों, के की पावर छः, ध्यान देना बच्चों दो फैक्टोरियल मतलब बता दो है ना, सात से भाग करो सात सात कट जाएगा, सात से सात कटेगा ना बच्चों, और ये दो से ये कट जाएगा कितना बचेगा तीन, तो तीन
के की पावर 5, ठीक है, ध्यान दे रहा। तीन फैक्टर मतलब तीन दो, तीन दो एक, तीन दूनी छः, छः क्या जाएगा और सात सात कट जाएगा, पाँच के की पावर 4, सात से सात कटेगा, चार का फैक्टर मतलब बताया, चार तीन दो, चार तीन 12 भाग में 24 और 24 को छजा को क्या बचेगा, पाँच के क्यूब। फिर यहाँ देखो सात से ये वाला सात कटेगा और पाँच चार तीन, तो पाँच फैक्टर मतलब पाँच चार तीन दो एक होता है, और पाँच चार तीन मतलब कि पाँच चार तीन ये कट जाएगा बच्चों पूरा पूरा, बचेगा दो और दो तिया तो क्या बचेगा तीन के, ध्यान देना था बच्चे। फिर सात से सात कटेगा, छः फैक्टर मतलब छः पाँच चार तीन दो सब कट जाएंगे तो क्या बचेगा ओनली के, है ना, और सात फैक्टोरियल से पूरे सात फैक्टोरियल कट जाएगा, लेकिन ये बटे में जो सात है वो चल रहा तो क्या बचेगा एक बटे सात, सॉरी बच्चों ये सात तो नहीं कटे ना, इस सात से ये सात पूरा कट जाएगा बच्चों, लेकिन बड़ा सात बच जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलो यहाँ पे आओ, पाँच से पाँच कटेगा क्या बचेगा, यहाँ से लिख रहे हैं बच्चों के की पावर, मतलब इसी लाइन के आगे है बच्चों। फिर यहाँ से करेंगे पाँच से पाँच कटेगा, दो दूनी दो, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो पाँच से पाँच कटेगा, तीन क्या होता है तीन दूनी तीन दूनी छः हो जाएगा, और छः मतलब चार तीन 12 तो मतलब क्या हो जाएगा, पाँच से पाँच कटेगा और चार का मतलब होता है चार तीन दो, पूरा पूरा कट जाएगा चार तीन दो तो क्या बचेगा ओनली के। ये पाँच से पाँच पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये बच्चों एक बटे पाँच, ठीक है। यहाँ देखो ये पहला पद तो ले चुके ना बच्चों, यहाँ पे पहला पद इसका गुणा इसमें वो तीन से तीन कट जाएगा के स्क्वायर, तीन से तीन कटेगा और दो से दो कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली के, के बचेगा के, तीन से तीन कट जाने टू से टू नहीं कट जाएगा, अच्छा ये टू जोड़ी नहीं रहा बच्चों। फिर से देखो इसमें देखो तीन से तीन कटेगा बच्चों, क्या बचेगा टू के स्क्वायर, सॉरी बच्चों आपके ये दो से दो कट जाएगा, तीन से तीन कट जाएगा, ये दो का कटेंगे तो कितना बचेगा टू के, सॉरी तीन से पूरा कट जाएगा तीन तीन तो क्या बचेगा ओनली दो बटे, और यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा माइनस एक बटे 105, ठीक है। हाँ बच्चों थोड़ा सा ये ऐसे लिखा जाएगा इसका हिसाब, तो ये वाला पद ऐसे सिंपल से नोट किया जाएगा, ठीक है। अब बाकी पद को तुम्हें जोड़ना है, के की पावर 6 है कहीं बच्चों, देखो नहीं है के की पावर 6, के की पावर 5 है कहीं, नहीं है, पाँच के की पावर 4, सिक्स के की पावर 4, क्यूब 5 2 3 के स्क्वायर 3 2 5 और 5 2 के 2 के 4 के, ठीक है। बाकी 1 बटे 7 बचा है, 1 बटे 5 2 बटे 3, ये सब इकट्ठे सॉल्व कर लो यहाँ पे, 1 बटे 7 1 बटे 5 2 बटे 3 माइनस 1 बटे 105, ये देखो तुमने अभी हल किया था कहीं, देखो ये देखो क्या आया था हल करने पर, एक सिंपल एक आया, देखो यहाँ पे इसको हल किया था वहाँ पे, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे पूरी जगह जो एक लिख देंगे, और कुछ बचा बताओ, बताया कुछ नहीं बचा। अब देखो ये के कहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक में है, कोई संख्या बटे में बची इसके, नहीं बची है, तो ये भी क्या एक पूर्णांक है, नहीं मैं बच्चों कोई संख्या बटे में क्या, इसका आंसर है तो प्लस में आएगा, तो क्या हो सकता है माइनस में, हो सकता है प्लस ही में आएगा, वैसे भी सब संख्या ये लो 1/7 1/5 2/3 और माइनस 1/105 को पूरा हल करने पे कितना आया था यहाँ पे, एक आया बच्चों, कुछ बटे में बचा यहाँ बताओ, नहीं बचा ना बच्चे, अगर बटे में बचा होता तो ये क्या होता, बटे में आंसर आ सकता था, लेकिन यहाँ बटे में तो कुछ बचा नहीं, सब हट गए बटे वाले, तो आता ये क्या एक पूर्णांक है, क्योंकि ये तो पहले से पूर्णांक था, ये तो पहले से क्या बच्चों पूर्णांक है, और ये भी क्या है पूर्णांक है, तो इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है बच्चों, बोलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय अंक में सिद्धांत सिद्ध कीजिए कि 4 1
फोर वन फोर्टी वन की पावर एन माइनस फोर्टीन की पावर एन हाँ कॉमा सत्ताईस का गुणा सत्ताईस। देखो जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है पीछे पेज पलटो पीछे होगा बच्चों ठीक है। सत्ताईस का गुणक का मतलब होता है कि सत्ताईस से विभाज्य है, सत्ताईस के पहाड़े में आता है, तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा तुम लोगों के लिए। हाँ मतलब जो भी संख्या आएगी सत्ताईस से कट जाएगी ठीक है। एन बराबर ये बच्चों को आता है बहुत अच्छे से, इकतालीस की पावर इकतालीस की पावर एक इकतालीस ही होता है सत्ताईस आएगा, इसीलिए एन बराबर लिख रहा जो सत्ताईस का गुणक है ठीक है, इसलिए एड बराबर तो ध्यान देना इकतालीस की पावर के माइनस चौदह की पावर के, इकतालीस की पावर के माइनस चौदह की पावर के क्या होगा बच्चों सत्ताईस का हाँ एन बराबर बोलो के प्लस वन के लिए अब सिद्ध कर रहा है कि ये भी क्या सत्ताईस का गुणक है। चलो देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो गुणक वाला है, देखो अभी तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो गुणक वाला आया हो, तो इसका रूल्स मान लेते क्या करना पड़ता है इसमें, इसमें क्या करते हैं समझो बच्चों हमको ये पहले ऐसा बनाना है ऐसा ठीक है। तो ये कितना इसको अलग करो क्या लिखेंगे इकतालीस की पावर बोलो गुणे इकतालीस की पावर माइनस यहाँ भी अलग करो वन ठीक है। इतना आप समझना ध्यान से हर एक स्टेप यहाँ से हमें ये चीज बनानी है करना है ये। तो यहाँ पे 41 की पावर के होना चाहिए ये नहीं आना चाहिए बच्चों, तो हमने क्या कहा कि 41 की पावर के इंटू इकतालीस माइनस माइनस करना है बच्चों क्या लाना है बच्चों बोलो लाना क्या हम लोग को 14 की पावर के एक मिनट मिनट 14 पावर के लाना है बच्चों यहाँ पे और हटाना किसको बच्चों बोलो 41 को। ये हमने अपने मन से क्या किया बच्चों माइनस किया और यही हम अपने मन से क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पे प्लस कर देंगे 14 की पावर के इंटू इकतालीस और माइनस ये जो लिखा था उसको लिख देंगे ऐसे। अब फिर तुम लोग समझ लो फिर देखो बार ये चीज़ लिखी थी बच्चों और हम चाहते हैं कि ये चीज़ बन जाए कुछ बन जाए ऐसा और इसमें से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम 14 इकतालीस लिखा है और ये क्या लिखा बच्चों 14 तो इससे काम चलेगा नहीं। तो हमने क्या देखा हमें लाना क्या बच्चों बोलो 14 की पावर के किसका लाना है माइनस का, तो माइनस लगाया ये लिख दिया इंटू हटाना किसको बच्चों बोलो 41 तो 41 भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये चीज मैंने अपने मन से माइनस करी है तो यही चीज बैलेंस करने के लिए अपने मन से क्या करेंगे प्लस करेंगे और ये चीज को ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पर जरा कॉमन लो जरा कॉमन क्या मिल रहा है बताओ मिल रहा है 41 बच्चों क्या बचा 41 की पावर के माइनस नहीं आया क्या बच्चों बाकी दोनों पद को हल कर लो कॉमन क्या मिलेगा इसमें से इसको कुछ नहीं करना है 41 में 14 किया बच्चों कितना बचेगा 27 बच्चों ये क्या है 27 का गुणज है और ये भी क्या है 27 का गुणज है तो इन दोनों का योगफल भी जो होगा वो 27 का क्या होगा गुणज होगा बच्चों। आओ जी 41 और 41 के लिए क्या बच्चों देखो तुम लोग ये चीज समझो जैसे 2 × 3 लिखा है तो ये पक्का है कि 2 से भी कटेगा और पक्का है किससे कटेगा गुणज है तो 2 से भी कट सकता है 3 से भी कट सकता है मतलब यहाँ पे तो उसी प्रकार से ये क्या संख्या ये संख्या हम लोग को मालूम है कि 27 क्या है गुणज है तो पास में लिखा है उससे में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी क्योंकि गुणा में लिखा है। अब देखो इसमें देखो ये संख्या 27 से कट रही है अब पास में लिखी हुई संख्या क्या हो कुछ भी लिखी हो
क्या हो जाएगी बच्चों, 27 से कट जाएगी। और समझो जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो 18 लेते हैं, 18 किसे कट रहा मान लो 6 से लेते हैं, ठीक है। एक संख्या और लो जो 18 मतलब 6 से कट रही हो बच्चों, 24, इन दोनों को जोड़ो बच्चों कितना आया, तो ये भी 6 से कटेगा बच्चों। अगर दो भिन्न भिन्न संख्याएं किसी एक पहाड़े से कट रही हैं तो उन दोनों का योगफल, उन दोनों का अंतर, उन दोनों का गुणा उस संख्या से पक्का कट होगा बच्चों। दो भिन्न भिन्न, अगर दो भिन्न संख्याएं हैं, जैसे ए है वो सी से कट रहा है, बी है वो भी किससे कट रहा है, तो उन दोनों का योगफल भी संख्या से कटेगा, उन दोनों का अंतर भी सी से कटेगा, उन दोनों का गुणनफल भी किससे कटेगा, उसी संख्या से कट हो जाएगा बच्चों। भाग नहीं बच्चों, प्लस माइनस और गुणा, समझाया कि नहीं है। अगर दो भिन्न भिन्न संख्याएं हैं किसी एक ही पहाड़े से कट रही हैं तो उन दोनों संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं का अंतर, उन दोनों संख्याओं का गुणा वो उस संख्या से बच्चों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये किसका गुणज है बच्चों बताओ, ये किसका गुणज है, तो ये पूरी संख्या जो है 27 से गुणज होगी ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 41 की पावर के माइनस 27 का गुणक है, तथा काम है ना 14 की पावर के 27, 27 क्या है बच्चों, गुणक है। तो इसलिए, तो इसलिए 41 क्या लिखा है, 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के प्लस 14 की पावर के इंटू 27 क्या होगा, 27 का क्या होगा बच्चों, गुणक है। ये संख्या 27 गुणक है कहाँ से, एक से, यहाँ लिख देना एक से बच्चों। और ये संख्या तो मालूम चल रही 27 कटेगा बच्चों, तो ये संख्या भी 27 गुणक है, ये भी 27 गुणक है, तो इन दोनों का योगफल भी जो होगा वो 27 क्या होगा, ठीक है। एक ही बुक नहीं हो पा रही, और 6 बुकें काफ़ी मोटी मोटी होती थी, यानी कि पत्ती पत्ती दो चौपतियाँ ही थी ना, मोटी मोटी होती थी। हाँ बोलो, इलेवन की पावर एन प्लस टू प्लस 12 की पावर टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन एन बिलोंग्स टू कैपिटल 136 दो बच्चों, एन बराबर एक के लिए करोगे सही बढ़ा जाएगा, दो प्लस 11 की पावर 13 से करते, 12 की पावर 8 एक 9 3 2 ठीक है, इसको भाग करो 133 से कट जाएगा बच्चों, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा, हाँ कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, कटेगा तो नहीं कटेगा, काटो एन बराबर एक के लिए के लिए, हाँ बोलो k प्लस टू 12 की पावर क्या, ये 133 से वही विभाज है, गुणज है, गुणक, हाँ विभाज मतलब कट जाना बच्चों, गुणक मतलब उसे पहाड़े में आना बच्चों, बात तो दोनों से ही नहीं यहाँ पे। तो आप बोलो n बराबर बोलो k प्लस वन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 11 की पावर ध्यान देना k प्लस थ्री, टू के प्लस थ्री, टू के प्लस टू होगा तो टू के प्लस कितना हो जाएगा
सिद्ध करना पड़ेगा किससे कट रहा है, 133 से। पहले ऐसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 11 की पावर के प्लस 2 अलग करेंगे, 11 अलग कर लेंगे, क्योंकि 3 लिखा है, 2 ये दे दिए, 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ भी करेंगे 12 की पावर 2 के प्लस 1 3 लिखा है यहाँ पे, चाहिए कितना 1, तो 1 अलग किया, बाकी 2 अलग कर दिया, यहाँ पे 3 था ना यहाँ पे। चलो आप देखो यहाँ पे खेल जल्दी से देखो, अरे रुक जाओ, प्लस करेंगे, क्या लिखा आगे पढ़ो यहाँ पे, प्लस प्लस करो, क्या लाना है बच्चों, ये लाना है, तो लिखो 12 की पावर क्या लाना है, हटाना क्या है बच्चो, 11 हटाना क्या है बच्चो, बोलो हटाना बच्चो, लाना क्या है, ये लाना है बच्चो, हटाना क्या है, 11, ये तुमने प्लस किया तो ये माइनस भी करो, 12 की पावर प्लस जो लिखा है लिख दो, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, 11, क्या बचेगा, 11 की पावर के प्लस 2 प्लस इसमें कॉमन क्या मिलेगा बताओ बच्चों, 12 की पावर, और हम कह रहे प्लस कॉमन लो बच्चों, प्लस मतलब यहां से कॉमन लो, तो यहां क्या बचेगा, 12 का माइनस यहां पे, नहीं इसमें क्या, पहले ये बचेगा बाद में ये बचेगा, ठीक है, 12 की पावर 2 के प्लस 1, नहीं इसमें क्या, प्लस में कॉमन नहीं जानबूझ के मैंने, 12 की पावर 2 कितना होता है, 140, 11 माइनस करो, ये संख्या 133 से विभाज्य है, ये भी संख्या क्या है, 133 से विभाज्य है, आता है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी, क्या ये बोल दो बच्चों, सत्य है, सत्य है, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ बच्चों, ठीक है, सेम है ना क्वेश्चन, मैंने कहा जो लाना है भाई, अब तो हम कुछ ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कर रहा है, जो चीज लानी है वो लिखो, इनटू जो हटाना है वो लिखो, प्लस करो माइनस करो, अति आनंदित, चलो ये रखिए बच्चों।